हेलो बच्चों, आज मैं अभिषेक आप लोग के लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इजी टॉपिक मैट्रिक्स है उसको लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स एक तरीके से कि एक डेटा है जिसको हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। जैसे कि अगर हम मान लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब हमने मैट्रिक्स माने कि हमारे पास भाई कोई एक मैट्रिक्स है ए, और मैट्रिक्स को जब भी हम डिनोट करेंगे तो वो हमेशा कैपिटल में होगा। ठीक, तो मैट्रिक्स ए है, हमने माना कि मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के हमने अंदर कुछ डेटा रखे, अब चाहे वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ठीक, तो अब हमने माना कि यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, और जो उसका ऑर्डर होता है वो यहाँ पर हम लिखते हैं 3x3। 3x3 का मतलब हुआ कि 9 एलिमेंट्स, मतलब 3 × 3 करने का मतलब हुआ 9 एलिमेंट्स, 9 एलिमेंट्स। ठीक, तो अब 9 एलिमेंट्स मीन्स ये जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे। तो वो उस 9 एलिमेंट्स को हमने कहा कि हो सकता है वो नंबर में भी हो सकता है, हो सकता है वो अल्फ़ाबेट्स भी हो। तो अब देखिए 9 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे कैसे, जैसे कि हमारे पास 9 एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये देखिए। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखी हुई है वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक, तो ये हो गए हमारे 9 एलिमेंट्स। देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये हो गए हमारे 9 एलिमेंट्स। ठीक, और हो सकता है कि ये नंबर्स में भी हो सकते हैं भाई, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकती है हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में हो कि भाई एक आया फिर दो, ऐसा नहीं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कि मैट्रिक्स के लिए, ये हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल था 3x3 का। ठीक, अच्छा, अगर हम मान लें कि कोई हमारे पास भाई मैट्रिक्स है, अब उसका ऑर्डर हम कुछ और ले लेते हैं। हमने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2x3 का है। ठीक, तो ये हो गया 3 4 9 6 4 7। तो अब आप यहाँ पे दोनों में अंतर देख रहे होंगे भाई कि यहाँ पे 3x3 मतलब 9 एलिमेंट, 2x3 मतलब 6 एलिमेंट्स। यहाँ पे 6 एलिमेंट्स देखें तो 1 2 3 4 5 और ये 6 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गए टोटल 6 एलिमेंट्स। ठीक, तो यहाँ पे भाई ये 2x3 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे आप ये समझिए, जब भी हम क्रॉस लिख रहे हैं तो मींस कि पहले हम रो को डिफाइंड करते हैं फिर हम कॉलम को डिफाइंड कर रहे हैं, मतलब जब भी हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो इंटू कॉलम। अच्छा भाई, ये हम लोग को दिक्कत होती है कि भाई रो और कॉलम में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कभी कभी हम लोग भाई रो को कॉलम मान लेते हैं, कॉलम को रो, ये मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए, रो रो मतलब कि कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी, जैसे ये एक रो है और दूसरी रो ये है, और कॉलम कॉलम मतलब डाउन साइड में भी देखेंगे तो 1 2 3, तो कितनी है, 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 रो और 1 2 3 कॉलम, तो 3x3 हो गया। उसी तरह यहाँ पे हमने बोला 2x3, तो 1 2 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए, 1 2 और 3 कॉलम। ठीक, ये था बेसिकली कि अगर हमको ऑर्डर पता करना हो या कैसे मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे लिखना है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये मैट्रिक्स, तो जैसे हमने ए बोली थी कि पहले 3x3 की, ठीक, तो पहले हमने बोली 3x3 की मैट्रिक्स। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ और तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा सा उस पर अब हम ध्यान देते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमने बोला कि एक ए मैट्रिक्स थी 3x3 की, 3x3 की थी, तो अब जब 3x3 की थी तो उसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स थी।
तो देखिए, नाइन एलिमेंट्स थे, तो नाइन एलिमेंट्स होते किस तरह कैसे हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, then A33। तो ये A11 क्या है? अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, और इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया वहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स को देखें, तो हमने ली थी ABCDEFGHI। तो अगर हम देखें कि A11 की प्लेस पे हमारा लिखा हुआ है A11 की प्लेस पे हमारे पास लिखा हुआ है A, और A12 की प्लेस पे भी ऐसे ही हम आगे रिलेट करते हैं तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो भाई A11 का मतलब क्या हुआ? A11 का मतलब हुआ कि भाई ये रो वन है, वन। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि A11 इस तरीके से लिखा हुआ। तो ये जो नंबर है ये रो को बता रहा है, और ये जो नंबर है ये कॉलम को डिफाइन कर रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि A11 की प्लेस पे ए है, जैसे कि फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो उस प्लेस पे कौन है? ए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे हमारा बी है। तो मैट्रिक्स को एक नॉर्मली हम इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया था कि हमारी जो मैट्रिक्स ए है वो 2x3 की है, तो हमको ये पता चल गया कि हमारे पास दो रो होंगी। तो हम पहले देखिए, A1 फर्स्ट रो हो गई, A2 सेकेंड रो हो गई, तो भाई टोटल 6 एलिमेंट हैं। तो A11 भाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बना, फिर तीन कॉलम है ना, तो 1 2 हो जाएगा, A12 और A13। उसी तरह A22, A23। तो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत ना हो आपको, ठीक। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोला कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कई तरह के मैट्रिसेस हैं। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं, पहले टाइप जो है वो है कि रो टाइप, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स से मतलब हुआ कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो केवल और केवल किस फॉर्म में होगी? रो के फॉर्म में। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारी रो के फॉर्म में, तो ये हमने बोला था रो में, तो सिंगल रो होगी। जैसे यहाँ पे मान लिया ABC, तो इसको अगर हम ऑर्डर देखें तो 1x3। कैसे भाई? एक रो है और तीन कॉलम है, 1 2 3 कॉलम हो गई और एक रो। तो हमने बोला कि ना, जब ऑर्डर लिखते हैं, जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो रो इंटू कॉलम होता है। तो रो कितनी है? एक। कॉलम कितनी है? तीन। तो ये हो गई रो मैट्रिक्स, ठीक। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स। तो अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी। कॉलम मैट्रिक्स जो होगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि भाई कॉलम के फॉर्मेट में आ जाए, A B C। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास रो तीन हो गई और कॉलम एक। तो सिंपल सा समझिए कि जब हम रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो केवल और केवल रो में जो नंबर होगा, ऑर्डर होगा, वो केवल वन होगा। और कॉलम मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो कॉलम का नंबर होगा वो केवल और केवल एक होगा। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। फिर हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स से आप समझिए कि स्क्वायर स्क्वायर मतलब क्या होता है कि भाई उसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे दोनों ही बराबर होने चाहिए। तो एग्जांपल जैसे कि हम ले लें भाई, कि अभी हमने एग्जांपल ही लिया था कि 3x3। अब यहाँ पे अगर हम ले लें कि ABC भाई तीन कॉलम हो गए, DEF FGHI। तो देख रहे हैं कि तीन रो हैं और तीन कॉलम है, जिसे हम बोल रहे हैं 3x3। तो ये हमारी हो गई है स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक?
नेक्स्ट है हमारी डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि भाई कोई भी मैट्रिक्स हो। अच्छा, अब डायगनल मैट्रिक्स के लिए सिंपल सी बात है कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप की होगी। 2x2 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है, 4x4 भी हो सकती है। डायगनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जो डायगनल के एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने बोला ए जीरो जीरो जीरो, बी जीरो जीरो जीरो, सी। तो हम देख रहे हैं ये जो पोर्शन है यहाँ पे ए बी और सी लिखा है, ये हमारे डायगनल पोर्शन है। तो डायगनल पे अगर कोई एलिमेंट्स होते हैं और उसके ऊपर साइड और नीचे साइड जीरो होता है तो वो होती है हमारी डायगनल मैट्रिक। फिर हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की, फिर हम बात करते हैं स्केलर। तो हमारा फिफ्थ जो है वो है स्केलर मैट्रिक्स। तो भाई स्केलर मैट्रिक्स मतलब समझ में आता है कि भाई एक कांस्टेंट टाइप का नंबर। तो अगर हम कांस्टेंट टाइप के नंबर की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2x2 की। तो अब हमने ले लिया कि जैसे कि 3 0 3 0 0 3, ये हमने लिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 जो है एक तरीके से देखा जाए भाई 0 में मल्टीप्लाई कर दें 3 तो 0 ही आएगा, यहाँ पे भी वही कर दें तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 3 कॉमन आ सकता है। तो 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1 0 0 1। ये क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स होगी भाई। यहाँ पे एक नंबर है जो कि स्केलर है, जो कि कॉमन आ चुका है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर बात आती है आइडेंटिटी और यूनिटरी मैट्रिक्स की, ठीक, आइडेंटिटी या यूनिटरी यूनिट मैट्रिक्स की, यूनिट मैट्रिक्स या हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जो भी हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे डायगनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा वन होने चाहिए, वो हमेशा हमारे वन होने चाहिए। यहाँ पे भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं। ये हो गई 3x3 की, या हम 2x2 में बोल सकते हैं, ये हो गई हमारी 2x2 की। फिर इसके बाद आती है नल मैट्रिक्स, इसके बाद आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स से आप नाम समझिए होंगे, नल मतलब खाली होना एकदम। तो ऐसी मैट्रिक्स जो एकदम खाली हो गई, जैसे मान लीजिए 0 0 0, 2x2 की 0 0 है, ऐसे 3x3 की 0 0 हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। फिर आता है कि हम अगर बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। भाई अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर हम बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की, इक्वालिटी मैट्रिक्स, तो भाई ये कब होगी इक्वालिटी। हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, भाई ये कब इक्वल होंगी, जब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऑर्डर मतलब अगर एक 2x2 है तो बी भी हमारा 2x2 होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 2x2 में, हमने मान लिया कि यहाँ पे ए बी सी डी है, और बी मैट्रिक्स जो है हमारी वो 2 5 9 7 कुछ ऐसी है, तो इसका मतलब हुआ कि जो ए की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी, जो बी की वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी, जो सी की वैल्यू होगी वो 9 और डी की वैल्यू 7 ही हो जाएगी हमारी इक्वालिटी मैट्रिक्स। मतलब वहाँ पे ऑर्डर भी सेम होगा और फिर वो एक दूसरे को रिलेट कर जाएंगे। मतलब इसका इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट जो इक्वल टू के बाद मैट्रिक्स है उसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसी तरह सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। तो बच्चों ये था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको काफ़ी हेल्प रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन से लेके स्टार्ट करेंगे, फिर हम लेके जाएंगे कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैट्रिक्स का। और मैट्रिक्स अगर हम बात करें बोर्ड के हिसाब से तो 4 to 6 नंबर CBSE बोर्ड में आता है, और 8 नंबर का करीबन करीबन यूपी बोर्ड में, और 6 नंबर का करीबन ICSE बोर्ड में। मतलब कि मार्क्स अगर देखें तो काफ़ी
मैटर करते हैं इस चैप्टर से, और इजी चैप्टर है, आप स्कोर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैट्रिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं, उसको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना बेटा।